दोस्तों आप सभी से नमस्कार, मैं धर्मेंद्र प्रताप सिंह। इस वक्त हमें बीके हॉस्पिटल इमरजेंसी गेट के बाहर और एक ये सतंदर हैं जो खेड़ी खुर्द गांव के रहने वाले हैं और इनको किसी ने मारा है। ये सिक्योरिटी गार्ड हैं, गोदरेज सोसाइटी है, बीपीटीपी की सोसाइटी है, सेक्टर 83 में है ना, 83 में ये सोसाइटी है, उसमें सिक्योरिटी गार्ड का काम करते हैं और जिन्होंने इनको पीटा है वो इंचार्ज है सिक्योरिटी के। आप बातचीत करेंगे इनसे, उसके बाद उनका भी पक्ष ज़रूर जानेंगे जब वो देना चाहेंगे। पहले इनसे बातचीत करते हैं। ये बीके हॉस्पिटल में आए हैं ट्रीटमेंट के लिए। सर क्या नाम है आपका? सत्येंद्र कुमार। कहाँ काम करते हैं आप? गोदरेज में सर। कौन से सेक्टर में? 83 सेक्टर। क्या जॉब है आपकी वहाँ पर? गार्ड की जॉब है। गार्ड की जॉब? और आगे किसने मारा आपको? राजेश ने मारा सर। ये कौन है? ये वह इनका सिक्योरिटी इंचार्ज है वहीं पर सोसाइटी। वहीं पर सोसाइटी। कब मारा आपको? 31 तारीख 11 बजे रात को। अच्छा, कहाँ चोट आई है? सिर में आई है, यहाँ पे आई है या पैर? कैसे लड़ाई झगड़ा कैसे हुआ? ऐसे सब लड़ाई झगड़ा कैसे हुआ, किस बात पे हुआ? कुछ तो हुआ होगा आपके बीच? हमारे बीच में ड्यूटी पे था उस टाइम, वो आया आकर के फिर उसने मेरे पैसे मांगे। उसने 10,000 नहीं बताओगे? यही बताएंगे। हाँ मैं बता रहा हूँ, 10,000 रुपये मांगे। मैंने मना करी उनसे कि मेरे पास नहीं है। वो आया फिर मैं मना करके चला गया, उसने गाड़ी में से रोड निकाली और पीछे से मारी उसने। एमएलआर दिखाइए, कहाँ चोट आई है? यहाँ पर। एमएलआर दिखाइए, एमएलआर तो होगी यहाँ कि बीके हॉस्पिटल। डॉक्टर की रिपोर्ट चाहिए मुझे, ऐसे दिखा दीजिए। उसके कई और भी चांस हैं। बाकी भैया हट जाना, गेट छोड़ देना। अच्छा, कई और भी चांस हैं साहब उसके। अच्छा अच्छा, उसने रिश्वत मांगी थी मेरे पर 10,000 रुपये। अच्छा अच्छा। सर मैं चोट आई आपकी, इसमें लिखा हुआ है। हाँ जी। और NCCT हेड यानी कि सिटी स्कैन की एडवाइस दी गई, करवा लिया सिटी स्कैन? हाँ जी। कुछ आया है? उसमें ब्लड है। अच्छा, क्लोटिंग है उसमें? हाँ जी, हाँ जी। अच्छा, दो जगह चोट आई है, एक यहाँ पर आई है। कहाँ पर आई है? पैर में आई है और एक सर में आई है। ये डॉक्टर की रिपोर्ट है यहीं बीके हॉस्पिटल में। तो दो जगह चोट आई हुई है, बाकी यहाँ पर क्लोटिंग हुई है जहाँ पर चोट लगी हुई है। रोड से मारा आपको? रोड से मारा इनका कहना है। बाकी ये बता रहे हैं कुछ पैसों का मामला है और पैसे मांगे, इन्होंने पैसे नहीं दिए, तब जाकर उसने गाड़ी से रोड निकाली है, इनको पीटना शुरू कर दिया है। बाकी हो सकता है वो भी कुछ बताना चाहें, उनका भी स्वागत है अगर कुछ मैटर में कहना चाहते हैं, लेकिन इनको चोट आई ज़रूर है इसीलिए इनका बयान लेना हमारा फ़र्ज बनता है। बाकी पुलिस में आपने कंप्लेन दी, कौन से थाने में दी? हाँ जी, कंप्लेंट 76 BPTP थाने में आपने कंप्लेन दी? हाँ जी। तो FIR वगैरह हुई भाई साहब? हाँ जी, FIR हुई। नहीं हुई। उन्होंने कुछ दिया आपको? कुछ भी दिया है और बाकी एक मिनट ऑनलाइन नहीं चढ़ा है, FIR दर्ज नहीं। अच्छा, इन्होंने अच्छा 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 151 में कार्रवाई कर रहे हैं क्या ये? दोनों तरफ मारपीट गया है, फोटोकॉपी दे दी उन्होंने। अच्छा अच्छा, मामला दर्ज नहीं किया है उन्होंने। इसमें वही लिखा है इन्होंने जो हमसे बताया है, ये जो है एक इनको रसीद दी है पुलिस ने, बाकी मुकदमा अभी दर्ज नहीं किया आपका, यही कहना है। आप इस मैटर में मुकदमा दर्ज करवाना चाहते हैं? मैटर में ये जो उसके परिवार वाले आए, उन्होंने बोलने का फैसला पर ले लेने, जान से मारने की धमकी और देने। कौन आया था आपके पास? उसके परिवार वाले आए। तो आप क्या चाहते हैं, समझौता करना चाहते हैं, कानूनी कार्रवाई चाहते हैं? नहीं, समझौता नहीं, उसका कार्रवाई होनी चाहिए। काम तो आप वहीं भी करते हैं ना सोसाइटी में, वो भी आपका सीनियर ही है? हाँ है, तो सीनियर। तो कैसे काम करोगे उस सोसाइटी में दोनों एक साथ? करना नहीं है, सब छोड़ के चला जाएंगे। तो आपकी सोसाइटी में पहले से मारपीट हमेशा होती रहती है? अभी एक हफ्ते पहले भी हमने खबर दिखाई थी, मारपीट हुई थी। तो बार बार वहाँ पर क्यों मारपीट हो रही है वहाँ पर? ये नहीं पता सब मुझे क्यों। चलो जो भी हो, मैटर सोसाइटी में बार बार मारपीट हो रही है इनका कहना है। बाकी देखते हैं क्या कार्रवाई होती है, ये तो फरीदाबाद BPTP थाना ही बताएगा। फिलहाल अभी तक मुकदमा दर्ज नहीं हुआ है, इनके पास मुकदमे की कॉपी नहीं है और ये पुलिस से कानूनी कार्रवाई की मांग कर रहे हैं, लेकिन दूसरी पार्टी का हमारे पास कोई बयान नहीं आया है, ना ही उनका कॉन्टैक्ट नंबर है। अगर वो चाहें वीडियो देख रहे तो मेरे मोबाइल नंबर 9953931171 पर फ़ोन करें और अपना बयान हमें दे सकते हैं, चाहे हमारे ऑफिस आ जाएं या अपना
प्रेस नोट बनाकर हमारे नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। फरीदाबाद न्यूज़ से धर्मेंद्र प्रताप सिंह, नमस्कार।